बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद संडे के दिन 40+ वालों को पढ़ाते हैं। इस तरीके के अंपायर हमारे दिनेश पाटिल जी, और बिल्कुल प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी उनके लुक की, और जिस तरीके से प्रोफेशनल जो अंपायर्स होते हैं, और बिल्कुल एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं। इसलिए कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई संन्यास लेता है तो वो कमेंटेटर बनता है, और टेनिस क्रिकेट में कोई संन्यास लेता है तो वो अंपायर बनता है। मोरवा टीम से परफॉर्मेंस करते थे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज भी थे हमारे मेन अंपायर। चलिए, एक्सर भी ये टीम ने आज बहुत प्रभावित किया है, और आज के तारीख में अगर यूट्यूब पर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ये टीम का नाम लिया गया है। एक आपका एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स पे आपको भेजना जरूरी है। देखिए, आपको अंतिम और आखिरी बार ये चीज के लिए अनाउंस किया जा रहा है। बिल्कुल, दोनों ही टीमों का 12वां खिलाड़ी हमारे यहां पर रहना जरूरी। इस वक्त गुड़बंदे के 12वें खिलाड़ी आ चुके हैं, लेकिन एक्सर भी यहां पर 12वां खिलाड़ी कंपलसरी जरूरी है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी को ग्राउंड में चोट लग जाती है तो यहां से ही 12वां खिलाड़ी जाएगा। बिल्कुल, अगर आपका यहां पर 12वां खिलाड़ी नहीं रहेगा तो आपकी टीम को जो प्राइज अंतिम और आखिरी दौर में जाने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका चर्चा फिर हम जरूर करेंगे। इसलिए आइए आइए, प्लीज वेलकम एक्सर बी, मेरे ख्याल से आ चुके हैं। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। एसएसबी के 12वें खिलाड़ी आ चुके हैं, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत। तो चलिए, सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रभाकर स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक हैंड पर है भरत, और गेंदबाज है धर्मेंद्र। पहली गेंद, एक रन जरूर पूरा किया है, दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई, और 2 रन यहां पर पूरे किए। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को यहां पर कैच ट्राई करनी चाहिए थी, अगर कैच ट्राई करते तो शायद विकेट का पतन हो सकता था, एक होनहार बल्लेबाज आउट हो सकते थे, लेकिन कैच की कोशिश नहीं की गई, और यहां पर 2 रन के साथ अकाउंट ओपन किया है प्रभाकर ने जरूर। अगली गेंद लेकर तैयार धर्मेंद्र, इस बार प्रहार किया है, गेंद जाती हुई डीप वाइड मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, खूबसूरत फील्डिंग का प्रदर्शन, अच्छी फील्डिंग जरूर देखने मिली, लेकिन यहां पर 2 रन जरूर पूरे किए हैं। वाइडिश मिड विकेट पर जिस खिलाड़ी ने गेंद को रोका, शशि, अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन किया शशि ने, और यहां पर अपनी टीम के लिए कुछ रन रोकने में कामयाब रहे। धर्मेंद्र की अगली गेंद, सामना करने के लिए तैयार प्रभाकर। प्रभाकर इस वक्त कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इस तरीके का स्ट्रोक करने की चाहत जताते हुए गेंद शरीर से जा टकराई, 1 रन जरूर आता हुआ। बिल्कुल, इस वक्त रनों के भूखे हैं, अब रन कहीं से भी आए, सर से आए, हाथ से आए, पैर से आए, रनों की कदर होगी, रनों की इज्जत होगी। जिस तरीके से जिंदगी में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, क्रिकेट में हर एक रन जरूरी होता है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज धर्मेंद्र की अगर बात करें तो 5 रन अपनी 3 गेंदों में खर्च कर चुके हैं, और 5 रन प्रभाकर ने 4 रन जरूर बनाए हैं, और 1 रन लेग बाइस के रूप में जरूर देखने मिला। इस बार बैकफुट पर जाकर लेट कट करने का प्रयास किया, 1 रन तेजी के साथ, लेकिन इस वक्त देख सकते हैं विकेटों के बीच में दौड़ लगी थी, और दौड़ में इस वक्त बल्लेबाज भरत जरूर कामयाब होते हुए। चिकी सिंगल लेना चाह रहे थे, चिकी सिंगल उन्होंने जरूर ली है, और रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात करें तो लाजवाब रही, डेंजर हैंड पर दौड़ लगा रहे थे नॉन स्ट्राइक हैंड पर, लेकिन बैकअप पर कोई नहीं था, इसलिए कीपर ने कोई रिस्क नहीं लिया, डायरेक्ट हिट करने की चाहत नहीं जताई, और गेंद पर मिलते हुए 1 रन। धर्मेंद्र की अगली गेंद, सामना करने के लिए तैयार पूरी तरीके से इस वक्त प्रभाकर। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने की चाहत, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए।
बिल्कुल ये खूबसूरत स्ट्रोक, चार रनों के साथ रनों की रन संख्या में बढ़त देखने मिली, स्कोर दो आंकड़ों में इस वक्त दर्शाता हुआ 10 रन, 10 रन हो चुके हैं। अब चार ओवरों का ये मुकाबला है, चार ओवरों में अगर 40 के ऊपर रन बनते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर माना जाएगा, क्योंकि इस वक्त हवा पूरी की पूरी बल्लेबाजों के पक्ष में बहती हुई। इस बार ये अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, नजदीकी मामला हो सकता था, लेकिन लेजी थ्रो गेंद रही, इस वक्त डॉट के रूप में ओवर की हुई समाप्ति, और एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या दर्शाती हुई 10 रन बिना कोई विकेट गवाए। तो बिल्कुल दोस्तों आप देख रहे हैं जय मल्हार मास्टर्स क्रिकेट संघ वाग्बिल प्रेजेंट मास्टर वाग्बिल ट्रॉफी 2019, आज का अंतिम और आखिरी दिन इस आन बान शान की ट्रॉफी का, कौन होगा चैंपियन इसकी खोज आज होगी कंप्लीट, क्योंकि इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो सभी 40 प्लस के मास्टर्स क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टूर्नामेंट को सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से इस टूर्नामेंट को रखा गया है। सभी हमारे जो मुख्य अतिथि इस मंच पर आए हैं उनका हार्दिक स्वागत, सभी दर्शक जो ग्राउंड में इस मैच का आनंद ले रहे हैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत, और साथ ही साथ यूट्यूब के माध्यम से GTC के माध्यम से जो अपने स्मार्ट TV पर या फिर सेलफोन में इस मैच का आनंद ले रहे हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस आन बान शान की ट्रॉफी वाग्बिल मास्टर कप 2019 में बिल्कुल इस वक्त T20 का मैच जारी है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच मैच की स्थिति वहां पर कुछ इस प्रकार की, 6 गेंदे शेष हैं और 16 रनों की दरकार है टीम इंडिया को जीतने के लिए, 6 गेंदे 16 रन, काफी बड़ा लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम ने खड़ा किया था, उसका पीछा करती हुई टीम इंडिया आ पहुंची है। इस बार ये गेंद बैकफुट पर गए, पावर जनरेट की, स्ट्रोक को अंजाम दिया, गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 4 रन। बिल्कुल 6 गेंदे और 16 रन टीम इंडिया को जीतने के लिए चाहिए हैं, और बल्लेबाजी की कमान पर है दिनेश कार्तिक और कुणाल पांड्या, ये जोड़ी विकेटों के बीच में डटी हुई है, टिकी हुई है। बिल्कुल आशा और उम्मीद हम ये जरूर करेंगे कि हमारी मैन इन ब्लू टीम यानी टीम इंडिया जरूर जीते। इसी बीच ये गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर एक और प्रहार करने की कोशिश, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, विकेट का पतंग जरूर होता हुआ। बिल्कुल विकेट गिरा है, भरत जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौट चुके हैं, भरत की कमी पूरी करने के लिए नए बल्लेबाज को विकेटों के बीच में भेजा गया है अरुण। वेलकम मालवनी स्पोर्ट्स मास्टर्स, वेलकम सुस्वागत। हम कल के दिन इनका जो परफॉर्मेंस रहा था वो लाजवाब रहा था, और कल के दिन के जो हीरो थे उनका नाम था संतोष कोहली। एक है विराट कोहली जो काफी पॉपुलर हैं, लेकिन कल संतोष कोहली काफी पॉपुलर हुए हैं। इस बीच ये गेंद, इस बार देखिए गेंद रही ऑब्स्टर के काफी ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ। क्या बात है, इस बार देखिए एक और वाइड बॉल, बिल्कुल शादी का सीजन है, पहला वाइड समझ लीजिए शादी का तोहफा, दूसरा वाइड करते हैं तो हनीमून पैकेज, तीसरा वाइड किया तो बच्चे का नामकरण समझ लीजिए, अगर चौथा किया तो आपका डिवोर्स फिक्स है आपकी टीम के साथ। इस बीच ये गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी जरूर इस वक्त खलती हुई नजर आई। एक रन जरूर पूरा किया है, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं।
इस वक्त टीम इंडिया थोड़ी सी दुविधा में है, 3 गेंदों में 14 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। टीम इंडिया को 3 गेंदे और 14 रन, वहां पे भी टेंशन यहां पे भी टेंशन। अब 2 गेंदे 13 रन, दवा की नहीं दुआ की जरूरत। दो बड़े हिट लगते हैं, 2 सिक्स आते हैं तो मैच टाई, नहीं तो फिर टाटा और बाय बाय। इस बार ये करारा प्रहार, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 2 रन का डिमांड है। और यहां देखिए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, तीसरा रन लेना चाहते हैं और यहां पर 3 रन दौड़कर पूरे किए। थ्रो नहीं किया इन्होंने, पहले पीछे देखा बैकअप है या नहीं, बैकअप वाले पर निगाहें थी लेकिन विकेट लेने की चाहत नहीं थी। बिल्कुल स्कोर की अगर बात करें, स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। करवरी गेंदबाज, बिल्कुल इस वक्त टीम इंडिया काफी दुविधा में है, 1 बॉल और 12 रन की जरूरत, 1 रन की चाहत है। और यहां पर खराब फील्डिंग का प्रदर्शन, 2 रन के लिए दौड़ लगाने की चाहत है और यहां पर दौड़कर 2 रन पूरे किए। क्या बात है, सिली मिडॉन पर 2 रन दौड़कर पूरे किए, क्या बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट है। जंगल में जिस तरीके से चीता दौड़ता है उसी तरीके से ये दोनों ही बल्लेबाज प्रभाकर और अरुण, ये दोनों ही दौड़ लगाते हुए नजर आए। और इनकी एज की अगर बात करें, 50 क्रॉस कर चुके हैं और इस तरीके की दौड़ लगा रहे हैं, क्या बात है। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक को, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है, 2रा रन लेना चाहते हैं और 2रा रन देखिए चहलकदमी करते हुए पूरा किया और यहां पर दौड़कर और विकेट का पतंग होता हुआ, 4थे रन पर विकेट गिरी है। ये विकेट गिरी नहीं, ये विकेट गिराई गई है। टीम इंडिया 5 रनों से मैच हार चुकी है न्यूजीलैंड के साथ, 5 रनों से मैच हारा है। मैच का अंतिम और आखिरी गेंद पर 6 गया है लेकिन 5 रनों से टीम इंडिया ने इस मैच को गवा दिया है। अब आए हैं अलंकार, इनके लिए विकेट डाला गया था, अलंकार क्या देखते हैं इनकी निकलती है कार, क्योंकि ये अगर अपनी कार लेके निकले तो फिर टारगेट होगा आर पार, क्योंकि बड़ा टारगेट बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अलंकार की अगर बात करें तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं, टॉप रैंकिंग की जो अगर बात करें, टॉप 10 बैट्समैन की अगर बात करें मास्टर्स 40+ मास्टर्स में, तो ये नंबर 2 पर आते हैं, सेकेंड नंबर के पायदान पर है। अपनी टीम की ओर से परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया करते हैं और सिक्सों की अगर बात करें तो इन्होंने कीर्तिमान अपने नाम किया है, 30 सिक्स इस सीजन में। आई थिंक सो अब इससे पहले की मैच के जो सिक्सेस हैं वो अगर प्लस हो जाए तो 32 या 33 सिक्सेस अब तक के ये जड़ चुके हैं अपनी टीम की ओर से। और ये पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 100 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम किया है। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 25 रन, 25 रन, 25 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। इस वक्त अलंकार बल्लेबाजी की कमान पर है, गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है एवन, गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेते हुए। एवन की पहली गेंद थोड़ा सा सफल हुए थे, प्रहार करना चाह रहे थे, अंतिम और आखिरी वक्त पर बल्ले को स्विंग किया लेकिन गेंद लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रही, अंपायर ने अपने हाथों को फहराया, इस गेंद को वाइड घोषित किया है। अतिरिक्त रनों में कुछ रन और जरूर जुड़ते हुए। अगली गेंद लेकर तैयार एवन अपने बॉलिंग मार्क पर, ललचाती हुई गेंद थी, प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद वाइड स्मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। व्हाट अ हिट, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, ताकत का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन और गेंद हवाओं के संग झूमती हुई, आसमान को चूमती हुई, वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए होती हुई फरार।
रनों की रन संख्या में नजर डालें तो स्कोर बोर्ड पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 32 रन, 32 रन हो चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अलंकार को लाया गया है, इन्हें बुलाया गया है, विकेट डाली गई है और विकेट जिन्होंने डाली उनका नाम था अरुण। अरुण की अगर बात करें, उन्होंने बलिदान जरूर दिया है, बलि चढ़ाई है, उसके बाद अलंकार आए हैं। और कोई भी शुभ काम करने से पहले अगर बलि चढ़ाए तो फिर कार्य अच्छा होता है। अब देखना यह है, अरुण ने अपनी बलि जरूर चढ़ाई है अलंकार के लिए। इसी बीच ये गेंद, इस बार ये तेज तर्रार गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर ने फिर से एक बार अपने हाथों को फहराया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ अतिरिक्त रनों में एक रन शुमार होता हुआ रनों की रन संख्या जा पहुंची है इस वक्त 33 रनों पर। स्कोर 33 रन इस वक्त स्कोर कार्ड पर नजर आते हुए। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार अलंकार ऑन फायर, गेंद डीप काउ कॉर्नर के बाहर, 6 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है। अलंकार की अगर बात करें तो अब इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा साबित होता हुआ। दो गेंदों का सामना किया है और दो गेंदों में 2 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम किया है। अब देखने वाली बात यह है क्या इस प्रतियोगिता में 3 गेंदों पे 3 सिक्स लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज बनते हैं या फिर कुछ और दृश्य होता है, क्योंकि इस तरीके का मौका गणेश मनेरा को भी मिला था, 2 सिक्स लगा चुके थे, एक और 6 लगाते तो कुछ इनामी राशि भी मिलती। लेकिन इस वक्त अब देखना यह है कि 2 गेंदों पे 2 सिक्स अलंकार ने जड़ दिए हैं, एक और 6 क्या जड़ पाएंगे और इतिहास के पन्ने पर अपना नाम जरूर लिखा पाएंगे। इसी बीच ये गेंद, इस बार अलंकार की ये गेंद पर प्रहार और गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए फरार पहले बल्लेबाज इस प्रतियोगिता के, जय मलार मास्टर क्रिकेट संघ वाकबिल के पहले खिलाड़ी, मास्टर वाकबिल कप के पहले खिलाड़ी इस वक्त बनते हुए 3 गेंदों में 3 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम रचते हुए इस वक्त बल्लेबाज अलंकार। अभी भी मौका है, 3 गेंदें बची हैं। देखने वाली बात यह है कि युवराज सिंह के बराबरी में आ पाते हैं या नहीं, 6 गेंदों में 6 सिक्स कभी कीर्तिमान बनाते हैं या नहीं। इसी बीच ये गेंद, इस बार चूके गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, 2 रन की यहां पर डिमांड है और लगभग यहां पर एक और विकेट का बतंग। अलंकार को ज्यादा मौका दिया जा रहा है, अलंकार को ज्यादा बल्लेबाजी करने की चाहत दी जा रही है क्योंकि अलंकार ऑन फायर इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है। इस सीजन में काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से देखने मिली है, 10 टूर्नामेंट्स अब तक के हो चुके हैं और 10 टूर्नामेंट्स में इन्होंने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से सूचना मिली है उस सूचना के आधार पर हम आपको बताते हैं कि अलंकार ने अब तक के 4 बार मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम लिया है, किया है और उसी तरीके से 250 के ऊपर इस सीजन में उन्होंने रन जड़े हैं, क्या बात है, काफी अच्छे फॉर्म में है अलंकार। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से बार इवन, फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद का स्वागत देखिए किस तरीके से किया, जिस तरीके से सलमान खान ने सन 2018 में स्वैग से स्वागत किया था, यहां पर बल्ले से इन्होंने स्वागत किया गेंदबाज का और गेंद पर मोहर लगी, 6 रन, व्हाट अ हिट, क्या बात है। अलंकार की अगर बात करें तो इन्होंने A1, जिस तरीके का नाम है A1 की हर गेंद का स्वागत A1 तरीके से ही किया है, A1 क्वालिटी का षटकार जिसे कहा जाता है, उसी तरीके के षटकार यहां पर देखने मिले, सिक्सेस जरूर देखने मिले। रनों की रन संख्या पे इस वक्त नजर डाले, जिस तरीके से हमारे देश में बिना बताए आबादी बढ़ जाती है उसी तरीके से इस टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार एवन की इस गेंद पर प्रहार करने की कोशिश की, गेंद जाती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां पर ओवर की हुई समाप्ति और लगभग 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 53 रन, सबसे महंगा ओवर साबित होता हुआ A1 का, 28 रन खर्च किए हैं इस ओवर में जिसमें 4 सिक्स आए हैं, 2 वाइड और 2 सिंगल, 28 रन खर्च किए हैं, बिल्कुल सबसे महंगा ओवर
माना जा रहा था डॉक्टर डाके का 25 रन, अब उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक कर दिया, सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए 28 रन। बिल्कुल स्मार्टी डाकी ने काफी महंगा ओवर किया था 25 रन का। अंतिम और आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जगन। अब देखना यह है जगन क्या इस खूंखार बल्लेबाज को रोक पाएंगे, ये डेंजर बैट्समैन को रोक पाएंगे या नहीं। इसी बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट और दिस इज अ बिग बिग एंड बिग ब्लू हिट, व्हाट अ हिट, जगन की गेंद को दिखा दिया यहां पर आसमान और गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रन। बिल्कुल जगन्नाथ की गेंद पर बहुत ही बढ़िया हिट, जगन्नाथ सिक्सर यही कहा जाएगा। जगन्नाथ की अगली गेंद का सामना करने के लिए फिर से एक बार सज्ज होते हुए, यहां पर मैं तो यही कहूंगा कि गेंदबाजों की जमकर खबर ली जा रही है। इस बार देखिए लाइन और लेंथ से थोड़ा सा भटकते हुए नजर आए, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को करने की चाहत जताई, गेंद रही इस वक्त वाइट के रूप में, स्कोर जा पहुंचा है 60 रनों पर। इसी बीच अगली गेंद इस बार एक और प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद डीप वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए फरार, व्हाट अ हिट, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं जगन्नाथ की हर गेंद पर अटैक। है 38 रनों पर खेल रहे हैं इस वक्त बल्लेबाज अलंकार। अलंकार के पास मौका है, इस सीजन में 10 टूर्नामेंट हुए हैं मास्टर्स के, 10 टूर्नामेंट हुए, 10 टूर्नामेंट में अभी तक के किसी ने हाफ सेंचुरी नहीं जड़ी है, इनके पास मौका है, ये जड़ सकते हैं। और यहां पर कैच छूटा है मेरे ख्याल से, एक रन जरूर पूरा किया गया है, दूसरे रन की डिमांड है और यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं, 2 रन जरूर पूरे किए हैं। स्कोर की अगर बात करें, अलंकार की स्कोर की अगर बात करें, अब टीम का स्कोर तो बहुत हो गया है लेकिन इस वक्त अलंकार की अगर बात करें तो 40 रन पे खेल रहे हैं, 3 गेंदे हैं, 3 गेंदों में अगर 10 रन बनते हैं तो पहला कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। और ये देखिए ललचाती गेंद, ओ हो, दिस इज अ बिग ब्लो, व्हाट अ हिट, ब्यूटीफुल स्ट्रोक, 6 रन, 46 रन पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए ये खिलाड़ी एक इतिहास रचने की कदार पर, क्या एक बड़ा हिट लगाकर ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अर्धशतक जड़ने वाला पहला बल्लेबाज बनेगा या नहीं। 2 गेंदे बची हैं और 4 रन, अब इस वक्त टीम का स्कोर नहीं देखेंगे, क्या बात है, वाला के शिंगा 5 किलो, दशरथ मुकादम साहब की तरफ से तबीयत नहीं खराब होगी, 5 किलो क्या बात है, 2 गेंदे बची हैं और 4 रन की जरूरत हाफ सेंचुरी के लिए। और इसी के साथ इस प्रतियोगिता की फर्स्ट हाफ सेंचुरी करने वाला बल्लेबाज जिसका नाम है अलंकार, ये है कलाकार, क्या बात है, और सिक्सों की इन्होंने यहां पर भरमार लगा दी है, 9 सिक्स जड़कर, 8 सिक्स माफ कीजिए, 8 सिक्स जड़कर इन्होंने 50 रन पूरे किए हैं, 100 रन भी बनाने वाले ये पहले खिलाड़ी, और इस वक्त हाफ सेंचुरी, क्या बात है, अलंकार वाकई में कलाकार है। एक गेंद अभी भी बची हुई है और कितनी गेंदों में बनाए हैं 50 रन वो भी देखने वाली बात होगी जरूरी। अगली गेंद इस बार एक और बड़ा हिट, दिस इज अ बिग 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 ब्लो 6, व्हाट अ हिट, क्या बात है, अलंकार नट आउट पारी खेलते हुए, नाबाद बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों में 50 रन का कीर्तिमान पूरा करने वाला बल्लेबाज जिसका नाम है अलंकार भूषण। यस, खास करून म्हणत सगळं आणखीन एक रेकॉर्ड तोडतोय भूषण भोईरांचा, इथे रेकॉर्ड तुटला जातोय, 12 चेंडू आणि 50 धावांचा भूषणचा रेकॉर्ड होता तो ब्रेक करतोय अलंकार, तर 11 चेंडू आणि 50 धावा, सर्वात जलद हाफ सेंचुरी करणारा हा पहिला फलंदाज।
बिल्कुल 11 गेंदों में अलंकार ने बनाए हैं 50 रन, और इनका नॉट आउट पारी की अगर बात करें तो 12 गेंदों में 58 रन। क्या बात है, टीम के स्कोर की अगर बात करें तो जिस तरीके से हमारे देश में बिना बताए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं उसी तरीके से स्कोर बढ़ता हुआ इस वक्त जा पहुंचा है 86 रन्स। ओनली टारगेट 87। आजकल हम मॉल में जाते हैं कितने भी बड़े इनामी प्राइस की कोई चीज हो तो उसके आगे ओनली लिखा होता है, वही तरीके का सिर्फ ओनली बनाइए। 4 ओवर में 87 रन जरूर थी। रन रेट की अगर बात करें तो लगभग 21 रन के आसपास 21.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी हर ओवर में, तब जाकर ये लक्ष्य पार कर सकते हैं 22 रन प्रति ओवर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर उसके बाद आपके साथ हम जरूर जुड़ेंगे इस आन बान शान की ट्रॉफी मास्टर ट्रॉफी वाकबिल की जरूर आपके सामने लाइव कमेंट्री जारी होगी। चाय की सुविधा की गई है स्टेज के पास, चाय की सुविधा की गई है, आइए चाय की चुस्कियां जरूर लीजिए और इस मैच का आनंद भी लीजिए, आपके लिए सुविधा की गई है। यही खासियत है मास्टर्स कप की, और जहां पे भी होता है 40 प्लस का मुकाबला, 40 प्लस के मैचेस, मास्टर्स कप के जो मैचेस होते हैं उसमें ना खाने की कमी होती है, ना कोई सेवा करने की कमी होती है, ना खाने की ना पीने की कोई चीज की कमी नहीं 40 प्लस में। आइए 40 प्लस में, आपको ये आनंद जरूर मिलेगा, खाने की अच्छी मेजबानी, चाय, ठंडा पानी और ठंडी की सुविधा हर कोई करता है 40 प्लस में।
तो बिल्कुल चलते हैं, लक्ष्य काफी बड़ा है लेकिन लक्ष्य का पीछा भी करना जरूरी। जीत के लिए बनाने हैं 87 रन और इस प्रतियोगिता का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली ये टीम गोड़ बंदर मास्टर्स, क्या बात है। और इसमें अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार एक कलाकार निकले, इस बीच ये गेंद कारपेट के साले खेला गया स्ट्रोक, एक रन जरूर यहां पर मिलता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। और रन आउट का देखिए अंडरआर्म थ्रो किया गया था, उन्हें पता है कि इस वक्त अलंकार ने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है, एक बड़ा टारगेट उन्होंने सेट कर कर दे दिया है। अलंकार की अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल से दसवां टूर्नामेंट खेल रहे हैं, दसवें टूर्नामेंट में उन्होंने एक कीर्तिमान जरूर किया है, हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस बीच ये गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, चार रन जरूर मिलेंगे लेकिन एक रिकॉर्ड उनके नाम पे जरूर आता हुआ। उन्होंने अब तक के 10 टूर्नामेंट में 106 गेंदों का सामना किया, 314 रन पूरे किए, 40 सिक्सर जड़े और 9 चौके का कीर्तिमान अपने नाम किया। और एक और रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी करने का। गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त संभाला है राजेंद्र ने। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर 14 रनों पर। इस बार कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक, एक रन जरूर पूरा किया है, दूसरे रन की डिमांड है और यहां पर नजदीकी मामला हो सकता है। अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर का इशारा आउट के रूप में परिवर्तित होता हुआ एक और झटका इस वक्त जरूर लगा है। न्यू बैट्समैन राजू, राजू प्लीज थोड़ा सा दौड़ते हुए चले जाए प्लीज, क्योंकि इसका इसके बाद भी हमें और भी मैचेस कराने हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपके सपोर्ट की जरूरत है इस वक्त हमें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ये अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, गेंद रही डॉट के रूप में। मास्टर क्रिकेट्स की अगर बात करें तो किन किन खिलाड़ियों ने हाफ सेंचुरी पूरी की है, जिसने सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की है उनके नाम आप तक हम जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 13 गेंदों में 50 रन बनाने वाले दिलीप भोईर, जिन्होंने लोनावाला के ग्राउंड पर ये कारनामा कर दिखाया था सन 2016 में, ये खिलाड़ी हैं पांजू के। और बिल्कुल दूसरे खिलाड़ी रहे थे जिन्होंने 12 गेंदों में 50 रन का कीर्तिमान अपने नाम किया था गोलबंदर रोड के ग्राउंड पर, वो थे भूषण भोईर कोलछेद के और एक नगर सेवक भी हैं बालकोम के वो खिलाड़ी हैं। और बिल्कुल उन्होंने ये कीर्तिमान अपने नाम किया था सन 2018 में। और अलंकार ये नया सितारा, नया उभरता हुआ सितारा, सन 2019 में इन्होंने सब का रिकॉर्ड तोड़ा, 11 गेंदों में इन्होंने बनाए 52 बनाए, लेकिन 50 की ज्यादा अहमियत होती है इसलिए 11 गेंदों में इन्होंने बनाई है वाकविल के इस ग्राउंड पर। इस बीच ये गेंद, इस बार बड़े हिट की चाहत जरूर थी, गेंद आती हुई वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में, एक रन जरूर मिलेगा
एक रन से ज्यादा कुछ नहीं है, चलिए फिर यहाँ पर दो रन दौड़कर पूरे किए हैं, लेकिन इस वक्त सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, जीत के लिए 9 गेंदे बची हैं और टारगेट जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 69 रनों का। बिल्कुल, यहां पर अगर सन 2018 की हाफ सेंचुरी की बात करें तो भूषण भोईर जो कि बालकुम के हैं उन्होंने बनाए थे, जो टीम के ऑपोजिट, वो टीम का नाम था वाकबिल। और जिस तरीके से अगर बात करें दिलीप भोईर ने जो 50 रन किए थे एक्सर ए के सामने, उन्होंने 50 रन पूरे किए थे। और अलंकार की अगर बात करें तो उन्होंने यहां पर जो कीर्तिमान रचा है वो कीर्तिमान जरूर एक्सर बी के सामने रचा है। मास्टर करियर के अंदर इनकी तीसरी हाफ सेंचुरी आपको नजर आएगी। अंपायर, आई थिंक सो ओवर इज कंप्लीट। यस, एक वाइड बॉल आया था। यस हमारे अंपायर की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रभावित किया है इन्होंने, एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा इस वक्त कुछ नजर नहीं आता हुआ। 2018 में बिल्कुल अलंकार ने 2018 में 35 गेंदों में 102 रन का एक कीर्तिमान मालोनी स्पोर्ट्स के सामने खड़ा किया था। अलंकार की अगर बात करें 92 गेंदों में 50 माफ कीजिएगा 12 गेंदों में 50 रन का कीर्तिमान कोलछेद के विरुद्ध घोड़बंदर गुरुदेव की स्पर्धा में ये रिकॉर्ड किया था। काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं और ये सब रिकॉर्ड्स की चर्चा हम आपसे करते रहेंगे, ये रिकॉर्ड्स आप तक के पहुंचाते रहेंगे। और खासकर धन्यवाद भरत राउत जी आपका कि आपने इतनी सुनहरी संधि आपके साथ रहने के बाद जो मिली है, हम आपसे काफी प्रभावित हुए हैं। आने वाले सीजन में शायद आपको हर एक खिलाड़ी के रिकॉर्ड हम भी दें। राजू यहां पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की राह लौटते हुए नए बल्लेबाज आए हैं शशि को भेजा गया है। इस बार बड़ा हिट और गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और विकेट का मौका था, रन आउट के रूप में विकेट ले सकते थे, लेकिन दोनों ही हाथों के बीच में से गेंद निकलती हुई। और रनों की रन संख्या की अगर बात करें तो बिल्कुल अब 4 गेंदें बची हैं और 4 गेंदों में बनाने हैं 63 रन, 4 बॉल 63 रन। इस बार ये 9 बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ, बीमर डिलीवरी थी, बीमर डिलीवरी जिसे डेंजर डिलीवरी माना जाता है। और बिल्कुल 2 रन यहां पर पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, गेंद आती हुई कॉक कॉर्नर के क्षेत्र में चलिए 2 गेंदें बची हुई हैं और 2 गेंदों में काफी ज्यादा रन की जरूरत है, 59
बिल्कुल औपचारिकता ही बाकी रह गई है इस मैच में, यही कहा जाएगा। बिल्कुल चलिए मैच की हुई समाप्ति, दोनों ही टीमों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हैंडशेक कर ही ग्राउंड से बाहर निकलना है आपको। एक गेंद अभी भी बची है मेरे ख्याल से, एक गेंद के बाद दोनों ही टीमें हैंडशेक कर ग्राउंड से बाहर निकलेंगी और 5 मिनट का एक टी ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद मैच की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले टॉस किया जाएगा उसके बाद टी ब्रेक। चलिए मैच की इस वक्त हुई है समाप्ति, दोनों ही टीमें प्लीज हैंडशेक करते हुए ग्राउंड से बाहर निकलना है आपको। दोनों ही टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन अलंकार जो निकले, एक बड़े वाले कलाकार जिन्होंने 11 गेंदों में एक कीर्तिमान किया 50 रनों का, वेल डन वेल प्लेड ऑल टीम्स। लेकिन जीत एक की तय थी और जीत इस वक्त आती हुई गोरबंदर मास्टर्स के हिस्से में। चलिए